आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। साइबर क्राइम की लूट से बचना है तो इन चीजों से रहे सावधान। खबर जनपद भदोही से है, जहां भदोही एसपी अनिल कुमार ने लोगों को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज लूट का पुराना जमाना नए जमाने में परिवर्तित हो चुका है, अर्थात अब इंटरनेट के माध्यम से लाखों और करोड़ों की लूट की घटना को अपराधी अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। अपराधी ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनमानस में जानकारी की कमी है। बताते चले कि पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही अनिल कुमार के निर्देशन में आज दिनांक 25 नवंबर 2021 को साइबर क्राइम जनपदीय पुलिस एवं शाखा प्रबंधक HDFC बैंक द्वारा साइबर क्राइम जागरूकता के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रिजर्व पुलिस लाइन ज्ञानपुर के सभागार कक्ष में पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण एवं HDFC बैंक के अधिकारियों की मौजूदगी में साइबर एक्सपर्ट द्वारा सकुशल सम्पन्न कराया गया। उक्त जागरूकता अभियान में साइबर अपराध से संबंधित होने वाले फ्रॉड जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, रिमोट एक्सेस ऐप, व्हाट्सएप, OLX, जॉब फ्रॉड, कैशबैक, हनी ट्रैप, अनजान लिंक, SMS न ओपन करने एवं अज्ञात व्यक्ति को OTP शेयर न करने आदि के संबंध में बचने हेतु जागरूक किया गया। उक्त जागरूकता कार्यक्रम गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार व जनपदीय साइबर टीम द्वारा HDFC बैंक के साइबर एक्सपर्ट के द्वारा साइबर फ्रॉड से बचने हेतु जागरूक किया गया। उक्त कार्यक्रम में SP भदोही डॉक्टर अनिल कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, क्षेत्राधिकारी भदोही अजय कुमार, क्षेत्राधिकारी लाइन्स, प्रभारी साइबर सेल आशीष सिंह एवं HDFC बैंक के क्लस्टर हेड नितिन कुमार, ज्ञानपुर शाखा प्रबंधक अविनाश त्रिपाठी, साइबर एक्सपर्ट राहुल आनंद, प्रतीक पांडे, आशुतोष द्विवेदी, रोहित सिंह तथा जनपद स्तर पर गठित साइबर टीम उप निरीक्षक अरविंद यादव, कांस्टेबल राधेश्याम कुशवाहा, कांस्टेबल रोहन वर्मा एवं थाने स्तर पर गठित साइबर टीम के अधिकारी कर्मचारी गण एवं जनपद के संभ्रांत व्यापारी गण अजीत कुमार बर्नवाल, ओंकार नाथ मिश्रा, श्रीकांत जायसवाल, अशोक जायसवाल, SK सिन्हा, आसिद खान आदि लगभग 150 लोग मौजूद रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। जो परंपरागत चोरी हो जाना, खो जाना या लूट डकैती हो जाना, उस तरह की चीजों का भी स्वरूप धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब अलग तरह से चोरी या लूट करी जा रही है। अब आप क्रिमिनल जो है उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो रेकी करे और लूट करे, अपने आप को खतरे में डाले पकड़े जाने का डर, बल्कि वो बैठे बैठे मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से लूट कर सकता है। इसी तरह से ATM से रिलेटेड कई तरह के फ्रॉड जो गैंग है वो कर सकती है। ये जो ऑनलाइन बैंकिंग और ATM फ्रॉड, ये इस समय छोटे से छोटी जगह, छोटे से छोटे गांव तक कोई उन्हें अछूत नहीं छोड़ा है। इन चीजों के शिकार रोज लोग हो रहे हैं। इसके अलावा भी कई साइबर क्राइम है जिसके शिकार आम आदमी या हमारे व्यापारी या उद्यमी बंधु होते हैं। उन सब के बारे में अभी आपको डिटेल में बताया जाएगा, उसके बाद भी हम लोग कई वर्कशॉप आयोजित करते रहेंगे जिसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा। जैसा कि हमारे एडिशनल SP साहब ने बताया कि केवल फाइनेंशियल या बैंकिंग फ्रॉड ही साइबर क्राइम नहीं है। किसी की फेसबुक प्रोफाइल या अन्य सोशल मीडिया प्रोफाइल को हैक करके उसका दुरुपयोग करना, कई बार वीडियो कॉल आती है, आदमी अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता है, उठा लेता है और उसके बाद सामने जो व्यक्ति रहता है वो नग्न या आपत्तिजनक स्थिति में होता है और आदमी जैसे उठाता है स्क्रीन की तरफ देखता है, उसी समय उसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है और उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि आप असली कॉल कर रहे थे और आदमी बदनामी के डर से फिर उसका शिकार हो जाता है। यानी फ्रॉड करने के अनगिनत तरीके, अनगिनत तरीके। ट्रांजेक्शन होगा तो या तो वो OTP के माध्यम से होगा या फिर उसके ATM पिन के माध्यम से होगा, बट
या ऑफलाइन जैसे एटीएम विड्रॉल होगा, तो एटीएम विड्रॉल के केस में वो आपका पिन इंसर्ट करके ही होगा। बट अगर आपके कार्ड नंबर और कार्ड नंबर की सीवीवी या फिर मुझे एक्सपायरी डेट मिल जाए, तो मैं किसी भी इंटरनेशनल सर्वर पे जाके आपका कार्ड नंबर डाल करके ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। मुझे ओटीपी की जरूरत नहीं। इसलिए बैंक हमेशा कहता है कि आप अपना कार्ड नंबर हमेशा संभाल कर रखें, कार्ड नंबर किसी को ना बताएं। कुछ लोग इस तरह से भी कहते हैं कि ओटीपी तो मैंने दिया नहीं, तो ये ट्रांजेक्शन कैसे हो गया। तो वहां पर भी डेटा लीकेज होता है। जो भी आप कभी भी किसी वेबसाइट पे, अगर आप फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि 40% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, या ये जो आपको बाइसिकल है ये BMW की 2500 में मिल रही है अभी 25। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।